Hello everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in standard 3, lesson number 8. Who is heavier? Who yani ki kon? Heavy. Heavy yani ki jiska weight zyada ho, use bolte hai heavy. Agar koi do cheez ho, unki weight ki comparison karege to jiska weight zyada hoga use bolenge heavier yani ki kaun sabse zyada weight wala hai wo yahan pe ek story di hai gur ko hum log jaggery bolte hai and groundnut ko peanut bhi bola jata hai aur hindi mein aap log use mungfali bolte hai so yahan pe gur and mungfali उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टोरी दी है सबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट ये सबनम है उसे ग्राउंडनट एंड जैगरी खाना बहुत ही पसंद है वन डे शी बॉट 1 किलोग्राम ऑफ जैगरी एंड 1 केजी लिखा है केजी को बोलते हैं किलोग्राम केजी का फुल फॉर्म क्या है किलोग्राम वन डे शी बॉट 1 किलोग्राम ऑफ जैगरी एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट सबनम है उसने एक दिन 1 किलोग्राम जैगरी बाय की एंड 1 किलोग्राम उसने ग्राउंडनट बाय किए यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज केजी मैंने बताया कि जो केजी लिखा है उसे फुल नेम किलोग्राम भी बोलते हैं जो किलोग्राम है वो यूनिट वेट का यूनिट है किलोग्राम वो वेट का यूनिट है सो हम लोग कोई भी चीज़ कितने वेट की है वो बताना हो तो उसके पीछे किलोग्राम लिखेंगे या फिर ग्राम ऐसा सिंबल लिखेंगे सो किलोग्राम किसका यूनिट है वेट का यूनिट है यहाँ पे ये शबनम दिखाई दे रही है यहाँ पे उसने लिया है ग्राउंडनट्स एंड उसके दूसरे हाथ में है गुड ओ द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन द जैगरी वो सोच रही है कि ग्राउंडनट थे उनकी बैग बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी एंड जो गुड़ था जैगरी था उसकी बैग थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही थी तो वो बोलती है ओ द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन जैगरी वो सोचती है कि ग्राउंडनट है वो जैगरी से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं देन क्या है आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंडनट एंड जैगरी है उसमें क्या ग्राउंडनट सच्ची में ज़्यादा होगे गुड़ से जो गुड़ का वेट था उससे क्या जो ग्राउंडनट है वो सच्ची में ज़्यादा होगे कि सिर्फ दिखने में हमें ग्राउंडनट ज़्यादा दिखते हैं जैगरी की कंपेरिजन में सो वो क्वेश्चन आपको पूछा है अब मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ 1 किलोग्राम आप लोग कॉटन ले ले एंड 1 किलोग्राम वेट का जो आपका घर पे जो बाट होता है वो ले ले सो आपको क्या ज़्यादा दिखेगा 1 किलोग्राम कॉटन होगा वो बहुत सारा होगा तब 1 किलोग्राम होगा बट जो आयन जो लोखंड का आयन का जो बाट होता है 1 किलो का वो तो सिर्फ इतना ही दिखता है आपके वहाँ पे वेजिटेबल वेंडर होंगे वेंडर उनके पास 1 किलोग्राम का बाट होगा तो वो इतना ही दिखेगा उसकी कंपैरिजन में 1 किलोग्राम कॉटन को देखोगे तो बहुत सारा दिखेगा इसका मतलब ये नहीं है कि कॉटन है वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा है बट क्या है वो ऐसा दिखता है उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ऐसी है कि हमें वो ज़्यादा दिखता है बट ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा है दोनों है तो 1 ही किलोग्राम बट वो दिखता ज़्यादा है एंड ये छोटू सा दिखता है सही डिफरेंट इतना ही है सो यहाँ पे ग्राउंडनट एंड जैगरी दोनों में ऐसी ही चीज़ है ग्राउंडनट है वो दिखती ज़्यादा है एंड जो गुड़ होता है वो दिखता कम है बट वेट तो सेम ही है सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा था देन ये चींटी क्या बोल रही है नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग आपको अब गेस करना है कि कौन सी चीज़ के लिए आपको बड़ी बैग
चाहिए. फर्स्ट है 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न और 1 किलोग्राम शुगर. अगर आप लोग बाहर बाजार में जाए कुछ चीज़ बाय करने के लिए जाए तो वहाँ पे आपको 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न बाय करना है एंड 1 किलोग्राम शुगर बाय करनी है. सो दोनों चीज़ें 1-1 किलोग्राम ही बाय करनी है. तो कौन सी चीज़ के लिए हमें बड़ी बैग चाहिए होगी? तो हमें पता है कि पॉपकॉर्न का वेट क्या होता है, 1 किलोग्राम ही लिखा है, बट पॉपकॉर्न बहुत सारे हो तब 1 किलोग्राम होते हैं. उसके कंपेरिजन में शुगर 1 डब्बे जितना हो तब भी 1 किलोग्राम हो जाता है. तो किसके लिए आपको बिगर बैग चाहिए? तो उसका आंसर आपको लिखना होगा फॉर पॉपकॉर्न. देन सेकेंड क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पीज एंड 1 किलोग्राम पोटेटोस. आपको मटन जो आप लोग बीन्स लेते हो उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी बैग चाहिए कि पोटेटोज बाय करने के लिए बड़ी बैग चाहिए? तो ये आप लोग गेस करके अपने आप ही लिख देना. सो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके लिए बड़ी बैग चाहिए. गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गेस इज राइट. आपने पहले गेस किया कि किसके लिए बड़ी बैग चाहिए, देन आपको क्या करना होगा, मार्केट जाना होगा एंड यहाँ पे लिखा है वो चीज़ों को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा एंड देन आपको कंक्लूजन लाना होगा कि आपकी गेस राइट थी कि रॉन्ग थी. देन नेक्स्ट क्या है, पम्पकिन टमेटो पंगा. नेक्स्ट जो स्टोरी जैसा है उसमें पम्पकिन है एंड टमेटो है, उनका क्या हुआ है, पंगा. पंगा यानी कि दो लोग लड़ाई में टशन में आ जाते हैं उसे बोलते हैं पंगा. दिस इज द प्ले ग्राउंड वेर टमेटोज कम टू प्ले एवरी डे. यहाँ पे हमें प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ सी शोर दिखाई दे रहा है बट वो है प्ले ग्राउंड में. तो वो जो प्ले ग्राउंड था वहाँ पे टमेटो है वो एवरी डे खेलने आते थे. दे लव प्लेइंग ऑन द शीशो. जो टमेटो थे उनको शीशो, आपको भी पता है कि शीशो में बच्चे को बहुत पसंद होता है, चिचुआ भी बोलते हैं आप लोग उसे. तो यहाँ पे जो टमेटोस थे उनको शीशो में आने का बहुत ही पसंद था, उनको शीशो में खेलने का बहुत पसंद था. वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट ऑन वन साइड ऑफ द शीशो. एक दिन क्या हुआ, एक पम्पकिन था वो गार्डन में आया, बिग पम्पकिन बड़ा सा पम्पकिन गार्डन में आया एंड सीट एंड बैठ गया ऑन द वन साइड, जो शीशो की वन साइड होती है वहाँ पे पम्पकिन बैठ गया. व्हेन ही डज नॉट गेट अप फॉर लॉन्ग टाइम द टमेटोज डिसाइड टू सीट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही फॉल्स अप. क्या हुआ यहाँ पे, टमेटोज थे उन्होंने देखा कि एक साइड पे शीशो पे पम्पकिन बैठा हुआ है, उन्होंने क्या किया, वेट की कि पम्पकिन थोड़ी देर में उतर जाएगा, पम्पकिन थोड़ी देर में चला जाएगा. बट क्या हुआ, व्हेन ही डज नॉट गेट अप, बट जो पम्पकिन था वो खड़ा नहीं हुआ. फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक पम्पकिन वहाँ से खड़ा नहीं हुआ. द टमेटोज डिसाइड टू सीट ऑन द अदर साइड. तब टमेटो ने क्या डिसाइड किया, वन साइड पे पम्पकिन है सो हम लोग दूसरी साइड पे बैठ जाते हैं एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप, और पम्पकिन जो ऐसे डाउन है उसे अप कर लेते हैं. सो दैट ही फॉल्स ऑफ, सो वो अपने आप ही नीचे चल उतर जाएगा, वहाँ शीशो से निकल जाएगा. द लिटल टमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन टू द अदर साइड. यहाँ पे हमें शीशो दिखाई दे रहा है और ये हमें छोटे छोटे जो टमेटोज है, लिटल टमेटोज है, वो भी दिखाई दे रहे हैं. तो क्या लिखा है, द लिटल टमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग. ये जो लिटल टमेटो है उन्होंने शीशो की एक साइड पे क्लाइंब यानी कि चढ़ना स्टार्ट किया. ऑन द अदर साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 25 तक जो लिटल टमेटोज थे वो वहाँ पे
चढ़ गए। जो सीशो की वन साइड थी वहाँ पे पम्पकिन था और दूसरी साइड पे लिटिल टमेटो 25 लीटर टमेटो ने क्लाइम किया था। उह, द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। वो लोग बोलते हैं कि अभी भी पम्पकिन है, वो वहीं पर बैठा हुआ है एंड वो स्माइल कर रहा है, वो हंस रहा है। सो द बिग टमेटोज डिसाइड टू हेल्प द लिटल हेल्प। सो जो बिग टमेटोज थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग लिटल टमेटोज की हेल्प करेंगे। द लिटल वंस गेट डाउन। जो लिटल टमेटोज थे वो एक एक करके नीचे आ गए एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। और उन्होंने क्या किया, जहाँ पे लिटल टमेटोज बैठे थे वहाँ से वो नीचे आ गए एंड जो बिग बड़े बड़े टमेटोज थे उनके लिए उन्होंने जगह कर ली। फैट वंस 1, 2, 3, 4, 5 up to 20 बड़े बड़े टमेटोज थे वो शीशो की दूसरी तरफ बैठ गए। अब क्या हुआ, पम्पकिन का वजन वेट एंड ये जो टोमेटोज बिग टोमेटोज थे उनके वेट में क्या हुआ वो देखते हैं। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर। फिर क्या हुआ, पम्पकिन वाली साइड थी वो ऐसे अप हो गई। तो टमेटोज थे जो फैट टमेटोज थे उन्होंने क्या बोला, ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर। पम्पकिन है वो एयर में अप आ गया। इट साउंड्स इट ब्रिंग मी डाउन। जो पम्पकिन था उसने क्या किया, चिल्लाया, साउट बूम चिल्लाना, वो चिल्लाया ब्रिंग मी डाउन, मुझे नीचे लाओ। पम्पकिन ऐसे अप हो गया तो पम्पकिन साउट करने लगा, पम्पकिन चिल्लाने लगा कि मुझे नीचे लाओ, ब्रिंग मी डाउन, मुझे नीचे लाओ प्लीज, मुझे नीचे लाओ। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो बिग टमेटो है वो पम्पकिन को ऐसे अपसाइड पे करके बहुत खुश हो गए और वो बोलते हैं हुर्रे। एंड यहाँ पे पम्पकिन दिखाई दे रहा है वो बोलता दिखाई दे रहा है कि ब्रिंग मी डाउन। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी स्मॉल टमेटो डू यू थिंक कुड लिफ्ट पम्पकिन अप। आपको क्या लगता है कि कितने स्मॉल टमेटो शीशो की वन साइड पे पम्पकिन था और अदर साइड पे बैठते तो वो लोग पम्पकिन को क्या कर सकते, अप कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि बिग 20 टमेटोज बैठे तब पम्पकिन अप साइड पे आया। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 40 स्मॉल टमेटो इकट्ठा होकर If at the other side 40 small tomato seed, then pumpkin comes upside. So हमारा आंसर क्या आएगा, 40। ये आपको गेस करना है। Then next क्या है, How many big mangoes can, क्या है, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। आपको क्या लगता है कितनी बिग मैंगो पम्पकिन को बैलेंस कर सकती है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक मैंगो रखी हुई है, वैसे कितनी बिग मैंगो हो तो बैलेंस, बैलेंस यानी कि कैसा, कि दोनों साइड पे सेम, कोई भी साइड अप और डाउन नहीं होना चाहिए, दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, एज ए इक्वल। सो उसे बोलते हैं बैलेंस। तो आपको क्या लगता है कि कितनी मैंगो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो दोनों साइड बैलेंस होगी। सो हमें पता है एक अगर आप लोग बड़ी सी मैंगो ले तो उसका वेट अराउंड 500 ग्राम होगा। क्या होगा, 500 ग्राम। 1 किलोग्राम इसका मतलब होता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। सो यहाँ पे 500 का और ये पम्पकिन का वेट अराउंड होगा 4 to 5 किलोग्राम हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 और 10 बिग मैंगो हम लोग पुट करेंगे तो उनके वेट का क्या हो जाएगा, बैलेंस। यहाँ पे आपको गेस ही करना है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिटी बोल रही है कि नाउ गेस, अब आप लोग गेस करें,
How many pumpkin can balance you on the शीशो? आप लोग शीशो में गए बैठने जाते हैं तो वहाँ पे अगर एक साइड पे आप हो एंड दूसरी साइड पे पम्पकिन रखने हो तो कितने पम्पकिन रखेंगे, तो आपका एंड जो पम्पकिन है उन दोनों का लेवल बैलेंस होगा. सो ये आपको क्या करना है, केस करना है. तो आपका वेट अभी अराउंड होगा 25 to 30 किलोग्राम. एंड जो पम्पकिन, एक पम्पकिन होता है उसका वेट अगर हम लोग सपोज करें 4 or 5 ग्राम, हम यहाँ पे 5 ग्राम गेस कर लेते हैं. सो 5 ग्राम के अगर आपका वेट 30 किलो है तो 5 ग्राम के अगर हम लोग 6 पम्पकिन रखेंगे, 5 किलोग्राम के अगर हम लोग 6 पम्पकिन रखेंगे तब दोनों का बैलेंस इक्वल होगा. बट यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है. देन क्या है, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट वो यू थिंक वेट. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके वेट एंड आपके क्लासमेट के वेट को कंपैरिजन करनी है. ए लिखा है ऑलमोस्ट द सेम एज यू. आपको गेस करना है, आपको सोचना है कि आपके क्लासरूम में ऐसा कौन है जिसका वेट आपका एंड दूसरा जो पर्सन है उन दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम हो, यानी कि सेम हो, सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, ऐसा वेट किसका है वो नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा. देन क्या है, मोर देन यू, यानी कि ऐसा कोई पर्सन का नेम लिखना होगा जिसका वेट आपसे ज्यादा हो. देन क्या है, सी में लेस देन यू, यहाँ पे आपको किसी ऐसे पर्सन का नाम लिखना होगा जिसका वेट आपसे कम हो. सो ये आपको आपके क्लासरूम के अकॉर्डिंग लिखना है. देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी बुक्स कैन यू लीव ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट. आप आपके आर्म को स्ट्रेट रख के एक हैंड में कितनी बुक्स लिफ्ट यानी कि उचक सकते हो वो आपको यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे ये आपको पता तो नहीं होगा बट ये आपको करके देखना है. सो आपको पता चलेगा कि आप लोग आपका हैंड ऐसे स्ट्रेट रखेंगे एंड हाथ में हैंड में बुक्स को रखेंगे तो पता चलेगा कि आप लोग कितना बुक्स उठा सकते हो. सो देन नेक्स्ट क्या है, डबल हर वेट. डबल यानी कि दुगना, हर यानी कि उसका वेट, उसके वेट से डबल. किसी एक जन है उसका जो वेट यानी कि वजन होता है उससे डबल वेट. यहाँ पे हमें फिर से एक शॉर्ट स्टोरी जैसा दिया है. सो भारतीज पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे बिकॉज भारती वॉज बॉर्न दैट डे. भारती पेरेंट्स यानी कि भारती के जो पेरेंट्स मॉम डैड थे वो हैव अ डिफरेंट वे, उनके पास कुछ अलग वे यानी कि रास्ता है ऑफ सेलिब्रेटिंग. सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाना, सेलिब्रेट करना, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वो. डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, उनके पास इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का डिफरेंट वे था. इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को. बिकॉज भारती वॉज बॉर्न दैट डे, उनके पास डिफरेंट वे था. क्यों डिफरेंट वे था, बिकॉज भारती का बॉर्न इंडिपेंडेंस डे पर हुआ था. दे बाय स्वीट डबल ऑफ भारती वेट. वो लोग क्या करते थे, जितना भी भारती का वेट हो उससे डबल यानी कि उससे दुगना, दुगने वेट की स्वीट वो लोग क्या करते थे, बाय करते थे. एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पुअर पीपल. एंड क्या करते थे, उसे जो भी स्वीट बाय की उन स्वीट को वो लोग जो पुअर पीपल हो उनको दे देते थे. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि बैलेंस है, बैलेंस काटा होता है वो है, एक साइड पे बच्चा दिखाई दे रहा है एंड एक साइड पे है स्वीट. तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बैलेंस कैसा दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है जो वेट मशीन है, वेइंग मशीन है उसमें दोनों साइड पर
वेट कैसा है, बैलेंस है, यानी कि दोनों साइड पे वेट कैसा है, सेम है, और उतना ही वेट यहाँ पे है, तो ये कैसा हो गया, डबल. When Bharti was born, she was 5 kilograms. जब भारती का बॉर्न हुआ था तब उसका वेट था, यहाँ पे 3 kilograms है. कितना वेट है, 3 kilograms. सो उसका वेट जब बॉर्न हुई थी तब 3 kilograms था, यानी कि उसके पापा ने, उसके पेरेंट्स ने तब कितनी मिठाइयाँ गरीबों को, पुअर पीपल को बेची होगी, कितने पीपल को दी होगी, कितने किलोग्राम. सो 3 + 3 क्या हो गया, 6, यानी कि उन लोगों ने 6 kilograms स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे. टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजल मान इज 5 years old, सी इज 28 kilograms. नाउ यहाँ पे अगेन आज इंडिपेंडेंस डे है एंड कुंजमान है वो 5 years old है, उनका वेट है 28 kilograms. देन नेक्स्ट क्या है, नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे. अब आपको क्या करना है कि उसका वेट क्या होगा, कौन सी एज में उसका वेट क्या होगा, वो आपको गेस करना है. एंड देन आपको सोचना होगा कि उसने, उसके जो पेरेंट्स हैं वो कितनी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे. सो यहाँ पे हमें एक टेबल जैसा दिया है, वहाँ पे लिखा है भारती एज, भारती की क्या एज है, वो उस एज में भारती का वेट क्या था वो दिया है. एंड अमाउंट ऑफ स्वीट, उसके पेरेंट्स ने कितनी अमाउंट ऑफ स्वीट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी वो हमें यहाँ पे बताना है. सो एट बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था तब भारती का वेट था 3 kilograms. सो उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उसका जो भी वेट हो उससे डबल स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते थे. सो यहाँ पे 3 है, सो 3 + 3 सो हो गए 6 kilograms. यानी कि भारती का जब बर्थ हुआ तब उनके पेरेंट्स ने 6 kilograms स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे. देन है 1 year old, जब भारती 1 year की हुई तब उसके, उसका वेट था 9 kilograms, यानी कि उसके पेरेंट्स ने 9 + 9 kilograms वेट के स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे. 9 + 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 = 18 kilograms. इट मीन्स भारती के पेरेंट्स ने, जब भारती 1 year की हुई होगी तब उन्होंने 18 kilograms स्वीट क्या किए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे. देन है 2 year old, जब भारती 2 year old की थी तब, सो उसका वेट क्या होगा वो हमें बताना है. यहाँ पे उन्होंने कितनी स्वीट दी थी, डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो है 26 kilograms. यानी कि इफ भारतीज वेट इज 13 kilograms, देन 13 + 13, 3 + 3 6, 1 + 1 2, यानी कि तब उसका वेट अगर 13 kilograms होगा तब उन्होंने 26 kilograms स्वीट दी होगी. देन है 3 year old, भारती 3 year की हुई तब उसका वेट है 17 kilograms. इट मीन्स उसके पेरेंट्स ने 17 + 17 kilograms स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे. 17 + 17, 7 + 7 14, 4 come year, 1 comes as carry, 1 + 1 2, 2 + 1 3, सो टोटल आंसर इज 34 kilograms. देन 4 year में उसका वेट कितना होगा वो गेस करना है. सो 23 kilograms सपोज उसका वेट है. सो उसके पेरेंट्स ने उसे डबल स्वीट क्या किए होंगे, दिए होंगे सबको. सो वो कितना होगा वो आप लोग अपने आप ही करना, यहाँ पर भी ये अपने आप ही कर लेना. देन नेक्स्ट क्या है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अव 2 year old और 4 year old चाइल्ड कूड वेट. आपको यहाँ पे क्या करना है कि
2 year old baby होता है उसका weight क्या होगा and 4 year old child का जो weight है वो कितना होगा वो आपको आपके parents से पूछना है and यहाँ पे क्या लिखा है guess your own weight आपको अपने से पहले guess करना है then आपको ये parents को पूछना है तो ये यहाँ पे finish होता है thank you everyone